ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इससे वाटर स्पोर्ट भी डेवलप होता है और जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है क्योंकि वो लोग भी देखते हैं, वो बाहर से आते हैं, वो लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा मौसम है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं हालात ख़राब है, वैसा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं जितनी J&K पुलिस से और CAPF से कोशिश हो सकती है बच्चों को एंगेज किया जाए ताकि उनको नशे की आदत ना पड़े, उनको हथियार उठाने का नौबत ना आए। खून खराबा और चेहरे पे वो दुख देखने से मन भर जाता है। हम चाहते हैं कि ऐसी खुशी बच्चों के चेहरे पे आए ताकि यहाँ एक बार फिर खुशगवार माहौल हो, क्योंकि ये स्टेट लेवल का ही कंपटीशन है तो इसमें जो स्टेट के पूरे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो टैलेंट निकलेगा इसमें, चाहे वो कायाकिंग कैनोइंग में हो, ड्रैगन बोट में हो, कैनो पोलो, स्विमिंग में, सारा टैलेंट अभी इस वक्त यहाँ पे है और वो निकलेगा इंशाल्लाह, वो नेशनल के लिए भी जाएंगे और इंटरनेशनल के लिए भी जाएंगे।